हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम आपकी साइंस की फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है न्यूक्लियर साइंस। देखिए, इस ईयर में हमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्लांट्स मेकिंग फूड। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। ये हमको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, जिससे वो अपना वर्क कर सकें। हमें भी फूड की ज़रूरत होती है। अगर हम फूड जब फूड हम लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, जिससे हम अपना वर्क करते हैं। तो उसी तरह प्लांट्स को भी फूड की नीड होती है, उससे वो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं। देखिए, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Look around a garden. Most plants are green in color. They look green because of their green leaves. What makes the leaves green? Means जब हम garden जाते हैं और plants को देखते हैं तो maximum plants जो होते हैं हमें green color के दिखाई देते हैं। वो green इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी leaves जो होती है वो green होती है। तो did you think कि leaves का color green क्यों होता है? फ्लावर्स का हम लोग देखते हैं, फ्लावर्स तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन लीव्स जो होती है वो मैक्सिमम ग्रीन कलर की होती है। तो लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? लीव्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल दैट गिव्स देम द ग्रीन कलर। मीन्स जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल नाम का। क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो लीव्स होती है उसका कलर ग्रीन होता है। तो अब हम लोग इसको हमेशा रिमेम्बर रखेंगे कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्या आप सोचिए कोई ऐसा प्लांट भी होता है जो नॉन ग्रीन होता है, जो ग्रीन कलर नहीं होता? यस, मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम ग्रीन कलर का नहीं होता। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, खुद नहीं प्रिपेयर करते। सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल उनकी लीव्स में नहीं होता। और क्लोरोफिल जो होता है वो नेसेसरी होता है प्लांट के लिए। अगर किसी प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्लोरोफिल को आप समझ लीजिए जैसे किचन होता है। अगर किचन नहीं है तो फूड हम लोग कहाँ प्रिपेयर करेंगे? तो क्लोरोफिल जो होता है वो किचन की तरह होता है। हम लोग क्लोरोफिल में ही लीव्स जो होती हैं वो अपना फूड बनाती हैं। Leaves use carbon dioxide from the air, water from the soil and sunlight to make food. Leaves को किस किस चीज़ की नीड होती है फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जो कि एयर से मिल जाती है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब भी रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स इसका अपोजिट करते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वो लोग अपने फूड को प्रिपेयर करने में कर लेते हैं। तो लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है, हवा से। और वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से। आप लोग ने देखा होगा ना, हम लोग प्लांट में वाटरिंग करते हैं। आप लोग भी अपने घर पे जो प्लांट लगे होंगे उसमें वाटरिंग करते होंगे, पानी डालते होंगे, वो इसीलिए डालते हैं ताकि उसको वाटर मिल सके। लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो कि एयर से मिलती है, वाटर चाहिए होता है जो कि सॉइल से मिलता है, और सनलाइट चाहिए होती है अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर कहीं पूछता है, कोई पूछे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स में, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की हेल्प से लीव्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट लेके अपना फूड बनाती हैं। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू मेक द फूड। सनलाइट क्या करती है? वो एनर्जी देती है जिससे फूड बन सके। जैसे कि हम लोग जब घर पे खाना पकाते हैं तो हमें गैस की जरूरत होती है ना, तो इसीलिए वो जो सनलाइट होती है वो एनर्जी का काम करती है। इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द सनलाइट नीडेड फॉर मेकिंग फूड। क्लोरोफिल क्या होता है? ट्रैप कर लेती है उस सनलाइट को, जिसकी वजह से फूड बन जाता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीव, कि एक जो लीफ होती है उसके पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लीफ है। इस लीफ को आप लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए एक लीफ है। ये एक प्लांट की एक लीफ है जो मैंने प्लक की है, ठीक है। अब देखेंगे, कह रहा है द लीफ ब्लेड, उसके पार्ट्स ये हैं लीफ ब्लेड और वेन्स, और उसके अलावा
दिया है पेटियो स्टोमेटा, जिसमें पेटियोल है और स्टिप्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या है? द फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो कि फ्लैट ब्रॉड सरफेस होता है लीफ का, उसको कहते हैं लीफ ब्लेड। इट हेल्प्स टू ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। ये क्या करती है? ये सनलाइट को ट्रैप कर लेती है जिससे फूड बन सके। तो लीफ ब्लेड क्या हुआ? जो ये सरफेस हमें पूरा दिखाई दे रहा है, फ्लैट सा, ब्रॉड सा, ये पूरा सरफेस हम लोग देखेंगे जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया लीफ ब्लेड, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है वेन्स। द मेन वेन रन्स अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ। देखिए सेंटर ऑफ द लीफ में क्या हमें मिल रहा है? ये देखिए एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ये देखिए, इसको कहते हैं वेन्स, ठीक है। द मेन वेन्स रन अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ इट इज कॉल्ड द मिडरिब। इसको कहते हैं मिडरिब, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मिडरिब। इट हैज ए नंबर ऑफ साइड वेन्स। देखिए इसके पास नंबर ऑफ साइड वेन्स है। देखिए ये तो मिडरिब हो गई हमारे पास, उसके अलावा इसमें साइड वेन्स भी है ना, हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए 1 2 3, इसमें कई सारे साइड वेन्स है। इसको हमने कह दिया सेंटर वेन या मिडरिब, और इसके साइड टू साइड में हमारे पास साइड वेन हो गई। द वेन्स आर स्मॉल ट्यूब्स दैट सप्लाई वाटर ब्रॉड बाई द स्टेम एंड द ब्रांचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। इस वेन्स का क्या काम क्या होता है? इस वेन का वर्क ये है कि इस वेन से पूरे प्लांट में जो भी सप्लाई होता है, जो फूड प्रिपेयर होता है, वो इससे पूरे जो, या फिर जो वाटर आता है ना, वाटर तो हम लोग रूट में देते हैं ना, रूट में हम लोग वाटर दे देते हैं, फिर उसके बाद इसी ट्यूब के थ्रू पूरे लीफ में वाटर जो होता है वो आ जाता है, स्टेम में आता है, स्टेम के बाद इसकी ब्रांचेस में आता है, और ब्रांचेस से फिर उसके बाद लीव्स में आ जाता है, और पूरे ऐसे ट्यूब में फैल जाता है। दे ऑल्सो टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द स्टेम। और इसी रास्ते से, इसी ट्यूब्स के से जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, वो बाकी पूरे प्लांट में जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या पार्ट है इसके पास, एक लीव के पास। अब है स्टोमेटा, अब लोग देखेंगे स्टोमेटा क्या है। द लीफ हैज माइन्यूट पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। देर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ, ठीक है। कह रहे हैं कि माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें ध्यान से बहुत देखने पर दिखाई देते हैं, लीव्स पे होते हैं। जब आप लोग किसी लीव को लेंगे, उसे उल्टा करके लोअर साइड में उसके देखेंगे, हमें छोटे छोटे होल दिखाई देते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं। अब हम देखेंगे स्टोमेटा का वर्क क्या है, स्टोमेटा का क्या फंक्शन है। तो स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा इससे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हमारी नोज होती है, नोज में होल्स होते हैं ना, तो उसी तरह लीव्स में भी छोटे छोटे होल होते हैं जो कि अपर सरफेस पे कम और लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, जिससे जो लीव्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, और वाटर वेपर जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाती है एयर में वापस, ठीक है। फिर कह रहे हैं पेटियोल। पेटियोल क्या है? पेटियोल और द स्टाक ऑफ द लीव अटैचेस टू द लीव ब्लेड टू द स्टेम। इट हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड सिमिलर टू द स्टेम। कह रहा है कि जो पार्ट पेटियोल या स्टाक उसे कह देते हैं लीव का, जो कि लीव ब्लेड से अटैच होता है, ये लीव ब्लेड से यहाँ पे देखिए अटैच है, इसी पार्ट को कहते हैं, और उसके बाद ये जाके स्टेम में होता है अटैच। ये देखिए, ये लीव ब्लेड से ये पार्ट अटैच है ना, और उसके बाद जब ये प्लांट में जाके जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ा रहेगा, प्लांट से ऐसे कनेक्ट रहेगा, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं इसे, इस पार्ट को जो कि मिड रिब में ऐसे कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे ये लीव ब्लेड से कनेक्ट रहता है, और फिर जाके प्लांट के स्टेम से ऐसे कनेक्ट होता है। फिर जो लास्ट पार्ट है वो है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल स्मॉल लीफ लाइक पेयर होते हैं जो कि जो बेस होते हैं पेटियोल के, वहां पे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस इमेज में बना हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग, ये देखिए इस इमेज में, देखिए अब इस इमेज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए ये जो है, ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे? मिड वेन, ठीक है, मिड वेन। और ये हो गया साइड वेन, और ये जो पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ये हो गया ब्लेड, उसके बाद ये हो गया पेटियोलिया स्टाक, और उसके बाद जो ये है छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो हो गया स्टिप्यूल्स, ठीक है। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।
अब हमने इसमें पढ़ा कि प्लांट जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं, वो हमने पढ़ लिया, और हमने ये देखा कि एक प्लांट्स के क्या, एक लीफ के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, व्हाट इज ए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थैंक यू।